चिल्ड्रन महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता सत्य और अहिंसा के पुजारी थे वे अपने अहिंसा और सत्य के मार्ग से ही हमारे भारत देश को स्वतंत्रता दिलाई थी डियर चिल्ड्रन वेन इट कम्स टू लीडिंग ए गुड लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग हॉनेस्टी एंड बींग ट्रूथफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट वी कैन अचीव ग्रेट सक्सेस एंड ट्रू सेल्फ

मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का स्थान महत्वपूर्ण है पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं पंद्रह वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने डेढ़ वर्ष के बाद वहां से त्याग पत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं आपके एकांकी मानवीय संयोधनाओं से ओतप्रोत है मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावनात्मक चित्रण उनके एकांकियों में विशेषता है उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा तट के बंधन निशिकांत दर्पण का व्यक्ति धरती अब भी घूम रही है युगे युगे क्रांति गृहस्थी आदि इस चिल्ड्रन पाठ छे बसंत की सच्चाई लेखक विष्णु प्रभाकर हमने इनके बारे में जान लिया है सो so, इट पा, इस पार्ट के द्वारा छात्र मतलब आप लोग इसमें चित्रित बालक के चरित्र प्रेरित से होकर प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं मीन्स यू विल लर्न अबाउट द हॉनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस बाई द नेचर ऑफ दैट पुअर बॉय इन दिस लेसन बिफोर गोइंग टू दिस लेसन वी हैव टू लर्न अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ द लेसन मीन्स इट इज अ एकांकी एकांकी मीन्स एक अंक का नाटक को हम एकांकी कहते हैं उसमें एक नाटक जैसा होता है लेकिन उसमें एक दो या तीन दृश्य होते हैं और एक ही अंक का होता है अनेक दृश्य नहीं होते हैं इसलिए उसको एकांकी कहते हैं मतलब एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं पहले हम जानेंगे पात्र परिचय किसी एकांक या तो नाटक को जानने से पहले हमें उनके पात्र परिचय देखना चाहिए उसका मुख्य पात्र है बसंत मतलब एक गरीब शरणार्थी लड़का एक गरीब लड़का होता है मींस एक पुअर बॉय प्रताप उसका भाई बसंत का छोटा भाई है प्रताप और एक कैरेक्टर है तो और एक पात्र है जो बसंत का छोटा भाई पंडित राजकिशोर एक नेता पंडित राजकिशोर का नाम एक पात्र होता है उसको क्या काम करता है एक नेता मतलब मजदूरों के नेता होते हैं डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्तियों का पात्र भी इधर इसमें आता है मतलब एक डॉक्टर आते हैं और दो राह चलते व्यक्ति राह चलते व्यक्ति जो कोई रास्ते में जो चलते रहते हैं उन दो व्यक्तियों के बारे में या उन दो व्यक्तियों का पात्र भी इसमें आता है सो so, पहले पहला दृश्य के बारे में जान लेंगे पहला दृश्य मतलब पहला दृश्य किस तरह घटता है या तो किसी भी एकांकी एक को देखते समय या तो खेलने के पहले या तो पढ़ने के पहले हम उस एकांकी एक को कहाँ घटता है या तो उस स्टेज को किस तरह सुविधा अनुसार उसको अरेंज करना है उसके बारे में जानना है स्टेज पर अनुसार एक बड़े नगर के बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य होता है मतलब उसमें उस स्टेज पर किस तरह अरेंज करना चाहिए एक बाजार का प्रतीकात्मक दृश्य होना चाहिए मतलब बाद बाजार जैसा दृश्य होना चाहिए प्रतीकात्मक मतलब बाजार जैसा दृश्य आने जाने लेने देने का शोर वहाँ क्या होता है आने जाने का मतलब लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं लेने देने मतलब जो लोग कुछ लेते हैं देते हैं मतलब व्यापार करते हैं फेरी वालों की पुकार फेरी वालों की पुकार मतलब वहाँ कुछ आ, सामान या तो कुछ खिलौने को बेचने वालों का पुकार भी रहता है मतलब वो लोग पुकारते हैं कि ये ले लो वो ले लो करके उन्हीं के बीच में एक लड़का नंगे पैर इन सब के बीच में एक लड़का आता है नंगे पैर में आता है नंगे पैर बेर फूट ही कम विद द बेर फटे कपड़े पहने वो क्या आ, किस तरह कपड़े पहनता है फटे हुए कपड़े पहनकर आता है यज ओन द टोन क्लोथ्स एंड हाथ में सामान संभालते भागता हुआ आता है उसका कहाँ से आता है वो वो अपने हाथ में uh, कुछ सामान संभालकर भागता हुआ आता है इज रनिंग एंड इज रनिंग बाई होल्डिंग द थिंग्स उसकी आयु लगभग बारह वर्ष की है उसकी आयु आयु मतलब वर्ष या तो उम्र उसका उम्र या तो एज कितना है लगभग बारह वर्ष की है ऑलमोस्ट ट्वेल्व ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड उसका नाम बसंत है उसका नाम क्या था बसंत वह पुकार रहा है वह कुछ पुकार रहा है क्या पुकारता है हम देखते हैं आगे बसंत क्या पुकार रहा है चलनी ले लो बटन ले लो दियाई ले लो वो पुकार रहा है कि चलनी ले लो ले लो चलनी मतलब स्टेनर जो हम चाय या तो दूध चाने के लिए चाने के लिए उपयोग करते हैं, जो स्टेनर कहते हैं इन इंग्लिश बटन ले लो बटन मीन्स बटन वो जो हम शर्ट या तो हमारे ड्रेस को लगाते हैं वो बटन ले लो दिया ले लो दिया मतलब मैचेस मींस मैच बॉक्स को या तो मैच स्टिक्स को हम दियासलाई कहते हैं कुछ सामान लेकर आया है वह बोल रहा है कि चलनी ले लो बटन ले लो दियासलाई ले लो कुछ ना कुछ ले लो इस तरह वह पुकार रहा है कोई उसकी बात नहीं सुनता वहाँ किस तरह का दृश्य है कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं वहां के लोग सब लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं दे आर मूविंग फॉरवर्ड और दे आर गोइंग बाय सीइंग हिम इसी समय एक कदरदारी व्यक्ति वहाँ से जाते दिखाई देते हैं उसी समय क्या होता है एक कदरदारी व्यक्ति कदरदारी मीन्स जो खादी का शर, कुर्ता पहनता हो या तो खादी व्यक्ति खादी का पह, शर्ट या तो खादी के कपड़े पहन पहन वहाँ से आता है उसे देखते हैं देखते ही वे पता चलता है कि वे मजदूर नेता पंडित राज वे कौन थे वे मजदूरों के नेता पंडित राज किशोर है बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है जो कदरदारी व्यक्ति थे उनके पीछे ही उनको देखकर उन्हें उनके पीछे ही भागता हुआ जाता है ही वॉज रनिंग बैक ऑफ हिम बसंत बसंत बोलता है साहब बटन लीजिए देसी बटन साहब दिया लीजिए वह पूछ रहा है किससे पंडित राजकिशोर से पूछ रहा है कि साहब बटन लीजिए देसी बटन है हमारा हमारे देश की ही देश के ही बटन है ये इसलिए बटन लीजिए साहब नहीं तो साहब दिया लीजिए दिया मतलब मैचेस लीजिए तब राजकिशोर कहते हैं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए जाओ वो किसी और को दो तो भाई मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग जाओ वो किसी और को दो सो यू गो एंड गिव सम बसंत साहब चलने लीजिए दूध चाहिए चाय चाहिए बसंत बोलता है साहब चलने लीजिए दूध छानिए चाय चाहिए। वह नहीं चाहिए तो बटन और दियासलाई नहीं चाहिए तो आप एक चलनी ले सकते हैं ना चलनी लीजिए उसके उससे क्या कर सकते हैं दूध छानिए है और चाँद छानिए आप दूध भी छान सकते हैं और चाय भी चान सकते हैं उससे राजकिशोर मुझे कुछ नहीं चाहिए बसंत बटन नहीं तो बटन लीजिए राजकिशोर बोलते हैं नहीं बसंत दिया नहीं तो मैचस लीजिए राजकिशोर नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए करके बोलते हैं बसंत विनम्र स्वर साहब एक चलनी ले लीजिए सिर्फ दो आना कीमत है विनम्र स्वर मीन्स ही इज रिक्वेस्टिंग हिम साहब चलनी ले लीजिए नहीं तो सिर्फ दो uh, क्योंकि सिर्फ दो आना कीमत है सिर्फ एक uh, दो ही आना है सो कीमत कीमत मीन्स प्राइस इट्स प्राइस इज ओनली टू पैसे सो यू कैन टेक इट राजकिशोर पर भाई मुझे नहीं चाहिए तो कैसे ले लूँ तो मुझे नहीं चाहिए मुझे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए क्यों ले लूँ इसे इस तरह कहते हैं बसंत अच्छा आप छः पैसे तो उतने में वे उसको स्टॉप करते या तो उसको रोकते हैं अच्छा आप एक काम कीजिए छः पैसे दीजिए करके बोलते हैं लेकिन राजकिशोर उतने में बोलते वो कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए मैंने कहा था ना आपको तुमको मुझे कुछ नहीं चाहिए बाद बसंत रुआसा रुआसा मीन्स रोने जैसे आ, कंट से या तो मेकिंग रु, रु, आ, क्राइंग वॉइस ही सेड साहब साबेरे से अब अब तक कुछ नहीं बिका है फ्रॉम मॉर्निंग टू टिल नथिंग इज सोल्ड आपसे आशा थी आपसे भरोसा आपसे आशा मीन्स भरोसा थी साहब एक तो ले लीजिए नहीं तो ये लीजिए साहब कुछ नहीं होगा इस तरह उसके विनम्र स्वर से और रुआ से कंठ से बोलता है राजकिशोर जेब से दो पैसे निकालते हुए तो तब उन्होंने दो पैसे निकाल अपने जेब से दो पैसे निकालते हुए कहा तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए लो ये दो पैसे लो और जाओ तुम्हें पैसा चाहिए ना तुम ये लो दो पैसे रख लो और जाओ इस तरह कहते हैं बसंत एकदम नहीं साहब नहीं मैं पैसे नहीं लूँगा तब बसंत कहता है एकदम मतलब इमिडिएटली सेट दैट नो सर नो आई डोंट वांट एनी मनी बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मनी बाय गिविंग नथिंग सो आई वांट टू सेल समथिंग एंड टेक मनी ओके चिल्ड्रन टुडे वील स्टॉप हियर एंड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास